लेकिन मेरे अंदर उत्सुकता ये सारी बातों से ज्यादा बात के लिए है। जो लोगों जो जो लोग उत्सुकता होते हैं पूरे दुनिया को देखकर, गाड़ियों को देखकर, उससे ज़्यादा उत्सुकता मुझे मेरे परमेश्वर में। और ये बात मुझे मेरे जीवन में आ जाती है, मुझे सबसे उत्तम पत्नी मिली है पूरे दुनिया में। मेरी माँ जो है वो शुद्ध जर्मन है, लेकिन कोई चिंता नहीं, क्योंकि उससे पहले ही मेरे लिए सफ़ेद, पीला, काला कुछ नहीं। अमेरिका से आए हैं, हाँ बैठिए बैठिए। मैं कभी ऐसे किसी को ज़्यादा सम्मान नहीं देता था, थोड़े लोग। पता मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक मसीह जीवन है। यीशु मसीह आपकी उत्सुकता हो जाती है, और ये उत्सुकता, और यही बाइबल कहती है, अपने आप को आनंदित कर परमेश्वर में, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे लिए मुझे स्कोडा गाड़ी नहीं पसंद। मुझे पता भी नहीं क्या है वो गाड़ी का नाम, मुझे कुछ नहीं पता। और मेरे ससुर के पास बेंज गाड़ी बहुत ही बड़ा गाड़ी था, मुझे उतना ही पता है। अगर एक दिन मैं स्कोडा देखता हूँ और अगर मैं ये कहता हूँ और एक महीने के अंदर मुझे स्कोडा कार मिलेगा। देखो परमेश्वर कहता है, जब तुम मुझ में आनंदित होते हो तो मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करता हूँ। मुझे ये इच्छा करता है, वो इच्छा है, वो कुछ नहीं होता। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ कि आपको चक्कर लगाना है। देखो जब आप परमेश्वर के चक्कर लगा दे, बड़ा दुनिया आपके पीछे चक्कर लगाएगा। आनंदित होना, उत्सुकता होना मेरे अब प्रभु में अपने आप को आनंदित करना। जब हम कहते परमेश्वर तू मेरे लिए काफी है, यीशु कहेंगे पापा पापा पापा, मेरा संतान मेरे इर्द गिर्द जा रहा है, उसको जो चाहिए उसको दे दो। बहुत बार जो हमारे पास है, मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, मैंने कभी विवाह के लिए प्रार्थना नहीं किया था, मैंने कभी नहीं कहा था परमेश्वर को किस प्रकार का मुझे एक पत्नी चाहिए। अगर मैं कहता तो मैं कहता तमिल या तेलुगु लड़की, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीय एक स्त्री। मैंने कोई भी लिस्ट नहीं दिया, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सबसे उत्तम दूंगा श्रीमान। सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आपको देता है। परमेश्वर बहुतायक रूप से आपको दे, जो आप कल्पना किए भी नहीं है, जो आपने सोचा भी नहीं है, वो परमेश्वर आपको देंगे। कही हालेलुया। ये होता है प्रियो, मेरे जवानी के समय से मैंने देखा है, इसीलिए मैं यही आपको बोल रहा हूँ। उत्सुकता हो जाइए, उत्सुकता दिखाइए परमेश्वर के बारे में। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा, एक पत्थर भी नहीं मिलेगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेले ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बात कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न ब्रह्मा ने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत को भ्रमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है? यह होगा, आप युद्धों को और लड़ाई की चर्चों को सुनोगे,
तो घबराना जाना, क्योंकि इनको इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य, सब लोग बोलिए जाति पर जाति के बातों को, लड़ाई आप देखेंगे, युद्ध आप देखेंगे और लड़ाई की चर्चा सुनेंगे, राज्य राज्य के पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा। सब लोग बोलिए अकाल आ रहा है, और जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है वो गिरने पर है। सभी लोग का ये भूकंप होंगे और सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। देखो अंत नहीं होगा इसका, ये आते आते जाएगा। आने वाले दशक में आप देखने वाले हर एक प्रकार के नए नए नए, और आप नए नए, क्यों इसके बारे में कोई सोचता नहीं, वो लोग ब्रह्माए गए हैं, वो नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। और भूकंप होंगे, आपको प्रार्थना करना, और जो प्राकृतिक विपत्ति है बहुत होगा, आप आग देखेंगे, हल्लड़ देखेंगे, और आग से होने वाली हानि देखेंगे, बिल्डिंग आग से जलने जैसे देखेंगे, और सूरज बहुत ही भड़क कर तपने लगेगा, बहुत ही बाहर आएगा, आंधी आएगा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे कर कर बढ़ेगा। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, अभी और क्या भविष्यवाणी चाहिए आपको। और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, ये प्रसाव की पीड़े के समान, जब शुरुआत होता है तो ही सह नहीं पाते, 3 घंटे 4 घंटे चलता है। नहीं नहीं तो मुस्कुराओ, जब स्त्री जाती दर्द हो रहा है तो थोड़ा मुस्कुराना भी निकल जाएगा, इतना दर्द होगा, उसके बाद ज्यादा दर्द देगा, मुझे परखने दो और दर्द आना है, रुको। मुझे आपको अच्छी खबर देना, लेकिन यही अच्छी खबर है, लेकिन आपके लिए, आपके लिए यही चमत्कार है प्रियो, आप आग में फेंके जाएंगे, 7 गुना ज्यादा तप्पा हुआ, लेकिन आप फिर भी आप जलेंगे नहीं, महामारी सब जगह होगा, लेकिन आप ऐसे होंगे, इसके पास अभिषेक होगा और चमत्कार होगा। ये मैं रुका हूँ, जब सभी लोग हार जाते हैं, कलिसिया उठेगा बहुत ही भारी के अभिषेक के साथ, बहुत सारे लोग, अभी लोग नहीं समझेंगे, अचानक से वो एक दिन उठेंगे और बहुत देर हो जाएगा, तब तक यही समय है, आप देखने वाले हैं, जो लोग घर पे वो लोग बचेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा होने वाला है, समय आने वाला है, लोग जो है अपने, तब परमेश्वर कहेगा मैं मेरे सामर्थ को अभी प्रकट करूंगा। इसीलिए कलेसिया को तैयार होना है कि अभिषेक के साथ के ऊपर मनन करना है, अपने हाथ को छोड़ देंगे, वो जादुओं के जादू तोने करने वालों के समान होगा, जो अपने चमत्कार को कर रहे थे, जो एक्सपर्ट है वो भी नहीं मदद कर पाएंगे। वो समय परमेश्वर मुस्कुरा के कहेंगे कलिसिया उठो, धर और उस तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश उदय हुआ है, तो इसीलिए कलिसिया के संजीवन को लाने वाला भी आप वाले हैं, सुनने वाले हैं, पर आप परमेश्वर का वचन को जैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए ये लीजिए और वो आपको अलौकिक मसीह बनाएगा, मसीह मतलब अलौकिक, लोग कहेंगे ओ एक भूकंप हुआ, सब घर गिर गया, लेकिन एक घर वहां पर बचा था, वो घर किसका है, ये हम अभी नहीं देख रहे, क्योंकि मसीह लोगों को और दूसरे लोगों के बीच में अंतर नहीं है, लेकिन एक बार जब परमेश्वर सबको जब परखेंगे, वो परखेंगे
एक गेहूं को जैसे हम छानते हैं ना भूसे से, जब वो ऐसे करती है वो गेहूं का दाना तो रहेगा लेकिन जो भूसा है वो हवा में उड़ जाएगा। सभी लोग भैया मैं तो गेहूं का दाना हूँ, मैं भूसा नहीं हूँ, तो मेरे लिए जो भविष्य है सामर्थ को ले चलूंगा। आपके हाथ को उठाइए, एक समय आएगा कलेसिया को पता चलेगा या तो टीका सामर्थ है तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई भी ऐसी संरचना नहीं जिसको आप पकड़ के रख सके, सारी रचना टूट जाएगी। वाणी है नए वर्ष के लिए, सुनने वाले हैं, लोग गवा देते हैं, अभी नहीं गवाते, वो सोचते हैं ठीक है मुझे दूसरा एक ऑप्शन दूसरा चीज कर दे दीजिए। एक समय आएगा ऐसा, वो कहेंगे क्या और क्या कोशिश कर सकते हम, फिर आप कहेंगे परमेश्वर बोलेगा क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ, और आप कोशिश करेंगे और आप छुएंगे। समय ऐसा आ रहा है, समय ऐसा आ रहा है। खत्म करता हूँ, मेरी पत्नी आएगी, सब असल असल खोजी होगा और उनके लिए परमेश्वर उनके लिए सुनहरा मौका मिलने वाला, जो लोग असली खोज में है ना उनके लिए सुनहरा मौका होगा परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। तो परमेश्वर का राज्य अगर आप उसे बहुमूल्य मोती के समान आप व्यवहार करेंगे, जब एक व्यापारी वो खोज रहा था कहाँ है वो बहुमूल्य 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 मोती, और उसने एक जगह में प्राप्त कर लिया और उसने पूछा ये कितना इसका कीमत है, और वो बहुत ही कीमती था, और उसने जाकर अपने गाड़ियों को अपने व्यापार को अपने सब कुछ को बेच दिया जो कुछ उसके पास था। मती 13:34 वचन पढ़ेंगे, जब उसको एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखो जो लोग खोजते हैं ना, देखो आप खोजेंगे तो आपको प्राप्त होगा। आप ये बात को देखने वाले ये वर्ष में, जो लोग तरसते यीशु मसीह को देखने के लिए आप यीशु को देखेंगे ये वर्ष में। अगर आप प्रकाशन को खोजेंगे तो आपको प्रकाशन मिलेगा ये वर्ष में। परमेश्वर रुके आपके लिए कि आप खोजे उन्हें पूरे हृदय से। यीशु ने कहा अगर तुम मुझे खोजते हो पूरे हृदय से तो मुझे पाओगे। क्यों हम उनको नहीं पाते? क्योंकि हम बेकरार नहीं है। यीशु मसीह आपको देखना है, अगर नहीं देखे तो भी परवाह नहीं। प्रेरितों के काम को पढ़िए, पत्रस बहुत ही खतरनाक जगह पे गया, बहुत ही सताव था। पौलुस कहा उस रात यीशु मेरे बगल में खड़े रहे, पौलुस डरना मत। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए कितने लोगों के वो जाकर मिले, बोलिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं 500 लोग वही समय वो यीशु को देख रहे थे। अयो क्या आपको ऐसा लगता है आप ये क्या विश्वास करते हैं कि आप कि परमेश्वर आपके नजदीक आ सकते हैं और नाम से बुला सकते हैं शमूएल शमूएल, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसा बुलाएंगे, वो आपको बुलाएंगे। जब आप खोजते आपके पूरे हृदय से, ये वर्ष है जहाँ पर आपको सुनहरा मौका अवसर मिलेगा, सुनहरा चमत्कार मिलेगा, ये बात के पर विश्वास कीजिए। अगर आप वचन को खोजेंगे छुपे हुए धन के समान, परमेश्वर को खोजना एक छुपे हुए धन के समान, और नीति वची 2:1-4 आप पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं है, सभी लोग कहिए मेरे वचन को खोजो, मेरे वचन को खोजो एक छुपे हुए धन के समान। ये ऊपर नहीं है, बाइबल आलसी लोगों के लिए नहीं है या सरल आसान लोगों के लिए नहीं है। 5 अध्याय पढ़ना नहीं,
बाइबल ऐसे लोगों के लिए है, ए यहाँ पर खजाना है, छिपा है, मुझे उसको खोद कर निकालना है, मैं खोदता हूँ, और उसके बाद ही आपको प्रकाशन मिलेगा जैसे किसी को नहीं मिला। ये वर्ष है इसका, आमेन। सभी लोग बोलिए हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। ये वर्ष आप बहुत सारे नए चेहरों को प्राप्त करेंगे जो यीशु के लिए चमकेंगे, नए नए चेहरे, जवान लोग, आप देखेंगे वो यीशु के लिए चमकेंगे। अभी तक यीशु दुष्ट आत्मा को निकालते थे, बेरीहीन बीमारों को चंगा करता था, डीजस दिनाकर प्रकाशन देता, समय आ रहा है, आमेन। ये व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, ये लड़की भविष्यवाणी कर रही है, चमत्कार के दिन आ रहे हैं। क्या आप खुश है? चिल्लाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाइए। पता यीशु ने क्या कहा जब वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे? मत्ती 12:27 यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं बेलज़बब के द्वारा। तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसीलिए वे ही तुम्हारे न्याय करेंगे। देखिए जो कहते हैं यीशु मसीह बेलज़बब है, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारा वंश किसके सहायता से निकालता है? इसीलिए तुम्हारा वंश न्याय करेगा। ये परिपक्व लोगों के लिए है। मुझे केवल आपकी जज्बातों को उकसाना नहीं है, ये सत्य को आपको बहुत ही गहराई से लेना है। आपके बच्चे दुष्ट आत्मा निकाल ले, सब लोग बोले अच्छी खबर। यीशु के समय में फरीसी के बच्चे भी दुष्ट आत्मा को निकालते थे। वो दिन आ रहे हैं मसीह के देह में, चमत्कार चिन्ह अद्भुत कार्य और साधारण, जब अपेक्षा ही नहीं किया, ऐसे लोग, जवान लोग, बच्चे उठने वाले हैं चमत्कार के अभिषेक के साथ। ये वर्ष आप उसको देखने वाले होते हुए, ये वर्ष आप उसको होते हुए देखने वाले हैं। एक मनुष्य हुबली से बहुत ही पहले लंबे समय कर्नाटका में वो आए थे हमारे एक संगोष्ठी सम्मेलन में डीप साउथ में, और हम प्रार्थना कर रहे, हम प्रचार कर रहे परमेश्वर के लिए कुछ करो, परमेश्वर के लिए कुछ करो। और उसने कहा मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो एक कारपेंटर हूँ, सुतार हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो रोया और वो अपने घर चला गया, और जैसे वो चल रहा था, एक वहाँ पर बस्ती था वहाँ पर, और वहाँ पर उसने देखा बस्ती में बच्चे लोग खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और बहुत ही गरीब, इतने गंदे, और उन्होंने उनको देखा रोने लगा। और उसने सुना था कि परमेश्वर के लिए कुछ करना है, उसने जाकर कहा ए ऐसा मत करो। अचानक से उसकी बात को सुनने लगे और उनको मसीह के पास वो ले आया तुरंत ही। पता है फिर क्या हुआ? जो बहुत ही शरारती बस्ती जहाँ पर बहुत ही जुर्म होता था, हर एक वहाँ पर जो चोरी करने वाले लोग, हत्यारे लोग वहाँ से आते, खूनी वहाँ से आते थे, उनके बच्चों को अभिषेक में वो अगुवाई किए। पता है क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे घर गए, शुरुआत किए वो, और वो कहने लगे पिता आपने ये किया, ये रात को माँ आपने ऐसा किया, और माता पिता जो है घबराने लगे। बच्चे ने जो है, बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने देने के लिए शुरुआत की अपने बच्चों को, और तुरंत ही उन्होंने घुटने पर आकर यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया। और आप कल्पना नहीं करेंगे, 100 से भी ज्यादा लोग उस जगह से मसीह के पास आए, एक संजीवन, कितने कितने लोग बचाए गए। और एक बड़ी कलीसिया थी, और 100 से भी ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग,
और उस जगह में मैं प्रचार करने के लिए गया, मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया। ये समय वापस आ रहा है, अभी लोग चमत्कार को हमला करेंगे, लेकार करेंगे। आमेन। ये हर एक धर्मी लोगों के मुंह को बंद कर देगा। मैंने निर्णय ले लिया मेरे जीवन में, अगर आपने मेरे प्रचार को देखा है, कोई भी चमत्कार जो परमेश्वर ने किया, परमेश्वर के लोग करते हैं, मैं कभी भी उसका निंदा नहीं करता। अगर मेरे पास कोई संदेह भी हो, मैं नहीं करूंगा, ओ ये गलत है, ये बाइबल में नहीं, ये गलत है, झूठा है। नहीं, चमत्कार हमारी समझ से परे है। अगर ये शैतान है तो ठीक है, अगर ये परमेश्वर है, अगर मैं कहूँ ये शैतान ही है, तो कितना खतरा है। ये एक डर है। मसीह के ध्येय के अंदर ये होना जरूरी है। तो परमेश्वर जवान लोगों को तैयार करने वाले हैं, जो जाएंगे और तीरों के समान सभी लोग का ये तीर के समान 127 भजन जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसा ही जवान के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके अपने तरकश को उसने भर लिया हो। जवान लोग अपने आप से आ जाएंगे तीर के समान, और वो शैतानी लोगों को हमला करेंगे। तैयार हो जाइए, अपने बच्चों को तैयार कीजिए, अपने बच्चों को अभिषेक कीजिए उसके लिए, और बच्चों को माता पिता तैयार कीजिए। जवान लोग खड़े होने वाले हैं और परमेश्वर बटोरने वाले हैं। एक समान लोगों को पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से, उत्तर से, हर एक जगह से परमेश्वर उनको एक करने वाला आप देखेंगे होते हुए। एक बहुत एकता होने वाला है लोगों के बीच में, जो लोग तैयार है, जो उग्र से भरने के लिए तैयार है परमेश्वर के लिए। क्या आप खुश हैं इसके लिए? सताओ के बारे में क्या ना, सताओ आएगा, लेकिन वो सताओ कलेसिया को फैलाएगा मशरूम के समान सब जगह, और कलेसिया बढ़ेगी ज्यादा, और आप बहुत सारे गुप्त कलेसिया के बारे में सुनने वाले हैं। घर में प्रशिक्षण देने वाली कलेसिया तैयार होगी और ये सब जगह फैलता जाएगा मशरूम के समान। तो शत्रु ढूंढ ही नहीं निकाल पाएगा कहां पर कलेसिया, कलेसिया सब जगह फैल जाएगा। आमेन। तैयार हो जाइए चीज के लिए। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्या आप अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर की विस्फोटक शक्ति को देखना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन अलौकिक जीवन शैली का आनंद उठाना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में बढ़ते देखना चाहते हैं? स्वयं को प्रतिदिन मसीह में होकर देखे दैनिक साधना, यह पुस्तक निश्चय ही आपके लिए है। अभी खरीदे और आशीषित हो।